हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो मेकअप अनबॉक्सिंग और मेकअप के रिव्यू के बारे में है। ये मेकअप जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत वायरल है ये मेकअप। तो मैंने वही प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं जो उनकी बहुत वायरल हैं, और ये अभी हाफ है तो बाकी मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊँगी। इसकी मैंने और भी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, अभी मैं आपको मेन मेन चीज़ें दिखाने वाली हूँ बस। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे पहले और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बेसिकली जिस ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ वो है पिंक फ्लैश। पिंक फ्लैश है फोक्युलर का ब्रांड, और ये मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा है और लोग बहुत इसका रिव्यू दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मुझे भी इसका रिव्यू करना चाहिए कि ये कैसा ब्रांड है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि नहायत ही अफोर्डेबल है और हर कोई इसे बाय कर सकता है, और अगर आप टीनेजर हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर उस ब्रांड को रिव्यू करूं जो कि टीनेजर्स के लिए अच्छा होगा और अफोर्डेबल होगा। तो उसी का पहला जो ब्रांड मैं करने जा रही हूं वो है फोक्युलर। फोक्युलर का बेसिकली पिंक फ्लैश पेज है तो हम उसका करेंगे अब। तो मैं अब इसको अनबॉक्सिंग करूंगी आप सबके सामने। ये देखें पार्सल वैसे ही आके पड़ा हुआ है, अब इसको हम खोलते हैं। एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और दूसरे से ये। अच्छा मैं कैमरा सेट करती हूँ फिर मैं इसे खोलती हूँ जी। तो अब मैं इसे ओपन करने लगी हूँ, तो अब इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये मैंने ओपन कर लिया है और इसमें हैं ऑर्डर डिटेल्स। ये मैं देखती हूँ पहले। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसको करेंगे अनबॉक्स। अब हम इन चीज़ों को अनबॉक्स करने लगे हैं, तो अब मैं वीडियो खुद बनाती हूँ। फिर सही नहीं बनी थी पिछली दफ़ा। किधर गई मेरी सीज़र? इसको ओपन करते हैं एक मिनट में। तो मैंने इसको कर लिया ओपन, अब मैं इसको बबल रैप को हटाती हूँ। ये हैं हमारे पास ये चीज़ें। अच्छा, ये है हमारे पास एक मस्कारा, इनका बहुत वायरल मस्कारा। ये हमारे पास दूसरी चीज़ है, इनका बहुत ही वायरल सा ये है हमारे पास कंसीलर, एंड दिस इज़ ब्रॉन्ज़र। अब इसको ओपन करते हैं और आपको रिव्यू दिखाते हैं इन चीज़ों का। पहले मैं मस्कारा ओपन करती हूँ। मस्कारा नहीं, ये कंसीलर है। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है इसकी यहाँ पे लिखी भी हुई है सारी एक्सपायरी डेट भी, और इसका जो सारा है ना आपको जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये इसके इस पेपर जो है ना ऊपर उसी पे लिखी हुई है। पिंक फ्लैश लॉन्ग लास्टिंग मैट कंसीलर। ये मैंने शेड 1 में मंगवाया है क्योंकि फेयर शेड में मैंने मंगवाया है ये। अब इसको मैं खोलती हूँ जी। तो अब इसको हम ओपन करते हैं। मैंने थोड़ा सा रैप हटा दिया है, याद इन्फॉर्मेशन इस पर ही लिखी हुई थी। ये बहुत ही मिनी सा क्यूट सा है, एंड आपको अब दिखाते हैं इसके बारे में। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा है पर ये मैंने इसका बहुत सुना है तो इसलिए अब इसको चेक करने का टाइम है। तो मैंने ना इसका ब्रश बाहर निकाल लिया, अब इसको चेक करते हैं हम। मैं आपको लगाकर ये दिखाती हूँ आप हैंड पर अपने। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है, ब्लेंड करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है और दिखाते हैं। तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा ब्लेंड कर लिया मैंने। बहुत ईजी टू ब्लेंड है और लाइट वेट है, कोई इतना हैवी नहीं है ये। मुझे तो ये मिस रोज़ जैसा ही लग रहा है, मैं मिस रोज़ का यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसकी इतनी कवरेज नहीं है और ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो रहा है। ये है इसका कंसीलर और मैं इसको रेट करूँगी। आई थिंक अगर आप टीनेजर हैं तो 5 आउट ऑफ 5,
और अगर आपने हैवी यूज़ के लिए करना है यूज़ तो फिर 4.5 out of 5 अच्छा है, पर ज़्यादा कवरेज नहीं है इसकी। अब हम करेंगे ब्रॉन्ज़र। ये मैंने जो है ना ब्रॉन्ज़र, ये मैंने ना डार्क शेड में ऑर्डर किया था। वैसे तो ये लाइट में भी होते हैं पर मुझे डार्क पसंद है। ठीक है, तो अब इसको भी ओपन करते हैं हम। मैं इसको ओपन कर लूँ। ओपन तो मैंने कर लिया, पर मैं आपको शेड बता दूँ, S02। इसका मेरा ख्याल है जो पहला शेड है ना, या इसका जो तीसरा शेड है वो लाइट है, इसलिए मैंने डार्क ऑर्डर की है। अच्छी पैकेजिंग है, आई थिंक सो। बहुत ही क्यूट सी है पैकेजिंग, चीज़ें पड़ी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं, आपके बैग में हो कहीं भी। अब है इसका रिव्यू टाइम। ये चीज़ें जो है ना, इनका मैं फर्दर रिव्यू करूँगी। ठीक है, मैं आपको इसका बताती रहा करूँगी जब मैं यूज़ किया करूँगी। अभी फ़िलहाल हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कैसा है इन फर्स्ट लुक। तो कुछ ऐसा है ये, और दिस इज़ लाइक दिस। आई थिंक इट इज़ गुड। अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, लाइट वेट है। इनका मेकअप जो है ना लाइट वेट है, कोई हैवी नहीं है। आपके लिए अच्छा है, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी अगर आप लाइट वेट मेकअप यूज़ करेंगे तो। इट इज़ आल्सो अ गुड थिंग। तो अब हम चलते हैं इनके मस्कारा की तरफ। मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार जो है ना इनके मस्कारा का है, क्योंकि मैं मस्कारा ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं सिर्फ हिमानी का यूज़ करती हूँ, और मैंने 2 times लिया है एक ही। मैंने पहले भी मस्कारा यूज़ किए हैं, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा ही आई लैशेज को हैवी कर देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे लाइट वाला भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा, जो इसकी लिपस्टिक्स हैं ना, मैंने वो भी ऑर्डर की हुई हैं। वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर की हैं, तो वो आपको ना अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं, जब वो आएगा। भी वो पार्सल आया नहीं है, और मैंने साथ ही आज एक और वीडियो शूट करनी थी अपनी शर्ट की, वो भी आज आई है। लेकिन उसका व्लॉग जो है ना, उसका व्लॉग या वीडियो जो है ना, आपको वो बाद में मिलेगा, क्योंकि उसके साथ मैंने ना उसकी मैचिंग की चीज़ें भी लेनी है, तो वो मैं एक साथ दिखाऊँगी आपको। अब हम इसके मस्कारा को ओपन करते हैं। लेट मी ओपन इट। मस्कारा जो है ना, ये इसका फर्स्ट वन है। इसमें एक ब्लैक कलर भी था, तो मैंने पहले सोचा कि मैं ब्लैक लूँ, लेकिन फिर ट्रेंडिंग में ये चल रहा था पिंक वाला, तो मैंने पिंक लिया फिर। इसलिए ये बड़ी देर तक ये स्टॉक में ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा, जब भी ये स्टॉक में आता था ना, बहुत मैंने ट्राई की, तो ये जब भी स्टॉक में आता था ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता था। ऐसी मैंने सोचा इसमें क्या ख़ास बात है। जो अच्छा, कोई भी ना आपको सही रिव्यू नहीं दे रहा इसका, तो मैं आपको ना अच्छा रिव्यू दूँगी। मतलब लोग जो ज़्यादातर है ना, वो एडवर्टाइज ही कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी। ये मैंने ओपन कर लिया। इसका भी वही है कि इसकी डिटेल्स भी पैकेज के ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन इस पे बस पिंक फ्लैश लिखा हुआ है। नाउ इट इज़ द रिव्यू टाइम। सो इसको मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये है इसका ब्रश। अच्छा, जो मैंने पहली टाइम इसको जब मैंने अभी खोला है ना, तो मेरे जहन में एक ही बात आई है कि इट्स लाइट वेट, और वो कोई ग्लिम्प्स नहीं आपके बना देगा आई लैशेज पे। और मुझे लगता है ये अच्छी चीज़ें हैं, आपको इतनी हैवी चीज़ें नहीं लगानी चाहिए अपने फेस पे। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर स्किन इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग अ वेरी हैवी मेकअप ऑन योर स्किन। सो ये जो है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसका स्वैच करके दिखाती हूँ मस्कारा का। मैंने हाथ पर किया है स्वैच, ये इस तरह का है। बहुत अच्छी बात है इसकी कि ये अच्छा, ये हाथ पर ना अच्छे से लगा नहीं है, ये मैंने बड़ा रगड़ के लगाया है, तो इसलिए ये आपकी आईलैशेस पे अच्छा वर्क करेगा। मैं आपको ट्राई करके ना, मैं ट्राई किया, मैंने अभी आपको साथ ट्राई करके दिखा दिया। मेरा ख्याल है आपको ये चीज़ें बाय करनी चाहिए डेली वेयर में लगाने के लिए। आपके पास लाइट चीज़ें होनी चाहिए हमेशा, इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग हैवी। तो ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने भी लिया, तो मैं इसको यूज़ करूँगी, और इंशाल्लाह दोबारा भी ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगी हैं चीज़ें सारी। ये जो कंटोर है ना, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ, 5 out of 5, 4.5 out of 5 and 5 out of 5 मस्ट बाय करें। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं अनबॉक्सिंग वीडियोज़ ही ज़्यादा बनाया करूँगी। और मुझे पता है आप लोगों को अनबॉक्सिंग बहुत अच्छी लगती है, और रिव्यूज़ भी चीज़ों के अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। और लाइक और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन,
और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे और इसी तरह हम चलते रहेंगे वीडियोस को लेकर। और ये वाली चीज़ें आप बाय करें, ज़रूर करें, ट्राई करें। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इन चीज़ों को, जो लाइट वेट चीज़ें होती हैं ना, उनका फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्किन पे ना वो इतनी असर ही नहीं करती कि आपको कोई डैमेज हो स्किन को। तो इसलिए आप बाय करें, ये अच्छा मेकअप है। और इसकी बाकी चीज़ों का रिव्यू बाद में दूँगी। एंड अल्लाह हाफिज़। और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना और खुश रहा करें ज़िंदगी में। और बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।